हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल दैट इज ब्लेस्ड विद बी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक नवजात शिशु के दांत निकलने के बारे में कुछ आवश्यक जानकारियां देने जा रही हूँ। अपने बच्चों को बड़े होते देखना, उनके नन्हे मुन्ने कदमों से उछल कूद करते देखना, छोटी छोटी शैतानियों को देखना, उनकी खुशी में खुश होना हर माँ बाप के जीने की एक ठोस वजह बन जाता है। पर तब क्या जब आपके दिल के टुकड़ों को कुछ परेशानी होती है और वह कुछ कह नहीं पाता, चाहे पेट दर्द हो, बुखार हो या फिर दांत आने वाली तकलीफें। मुश्किल तब और ज्यादा बढ़ जाती है जब आप उन्हें समझ नहीं पाते। नवजात शिशु के पालन पोषण में माँ बाप को थोड़ी ज्यादा सजगता बरतनी चाहिए, क्योंकि यह उनका सबसे नाजुक वक्त होता है। यही वक्त होता है जब बच्चे का शारीरिक और मानसिक दोनों विकास होता है। उन्हीं में से एक है दांत निकलना। तो आइए आज मैं आपको बताती हूँ कि दांत निकलने का सही समय क्या होता है। दांत निकलने का सही समय 3 महीने से 1 साल के बीच का होता है। अगर किसी बच्चे को दांत निकलने में देरी हो तो उसमें घबराने की बात नहीं है। बहुत से बच्चों को दांत देर से भी आते हैं। सबसे पहले 4 से 7 महीने के बीच में बच्चों के दांत आते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि दांत निकलने के लक्षण क्या होते हैं। मसूड़ों का सख्त या सूज जाना, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट लक्षण होता है। मसूड़ों का सूज जाना या सख्त हो जाना या फिर फूल जाना या दांत आने का एक बहुत ही आम और कष्टदायक लक्षण है। इस दौरान बच्चों के मसूड़ों में खुजली व सिहरन होती है और यही कारण है जब वह कोई भी चीज उठाकर चबाने लगते हैं। अगर आप सोचते हैं कि आपका बच्चा कुछ भी उठाकर खाने लगता है तो यह उसकी बदमाशी है, तो आप गलत हैं। यह उसकी बदमाशी नहीं बल्कि बेचारे की मजबूरी है, जो अपनी समस्या को आपके सामने व्यक्त नहीं कर पाता। इस कारण वह बहुत ही ज्यादा चिड़चिड़ा भी हो जाता है। इसके बचाव या उपाय क्या हो सकते हैं? उसके आराम के लिए आप अपने बच्चों को टीथर दे सकते हैं, परंतु याद रखें कि आप टीथर को पहले अच्छे से स्टरलाइज कर लें ताकि आपके बच्चे को कोई भी इन्फेक्शन ना हो। उसके बाद दूसरा एक आम लक्षण है, वह है डायरिया या लूज मोशन का होना। यह भी एक बहुत ही आम चिंताजनक बात है। इस दौरान बच्चे को पेट का इन्फेक्शन हो सकता है, जिससे उसे लगातार उल्टी या लूज मोशन हो सकता है, जिससे उसके शरीर में पानी की कमी भी हो सकती है। इसके साथ साथ वह कमजोर भी हो सकता है। इससे बचाव के लिए मैं कुछ बहुत ही ज़रूरी चीज़ें बताने जा रही हूँ। आप अपने बच्चे को चावल का पानी, केला, दही, उबला हुआ सेब का जूस, दाल या हल्की फुल्की और नरम चीज़ें दे सकते हैं। इसमें से चावल का पानी और दही ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। सर्दियों के मौसम में बच्चों को धूप में ज़रूर सुलाएं, जिससे आपके बच्चे को विटामिन डी मिले और धूप से आपके बच्चों का इम्यून पावर भी काफ़ी हद तक ठीक होता है। उसके बाद दूसरा लक्षण है बुखार। दांत निकलने में वक्त बुखार आना भी एक आम लक्षण है। इस दौरान बच्चे को सर दर्द, चिड़चिड़ापन, कमजोरी, थकान या सिहरन हो सकती है। इस दौरान आप हर 1-2 घंटे के अंतराल पर अपने बच्चे का टेम्परेचर चेक करें और एक टेम्परेचर का चार्ट बना लें। बुखार ज़्यादा हो तो सर पर ठंडे पानी की पट्टी ज़रूर दें और वक्त रहते डॉक्टर से परामर्श भी ले लें। ध्यान रहे कि जब आप डॉक्टर के पास जाएं तो अपने बच्चे का टेम्परेचर चार्ट उसे ज़रूर दिखाएं। अगला लक्षण है सर्दी या जुखाम का होना। ये बहुत कम होता है, पर फिर भी कुछ बच्चों को यह हो जाता है। यह भी एक बहुत आम लक्षण हो सकता है, जिसको कभी कभी आप अनदेखा भी कर जाते हैं। बच्चे का नाक बहना या छींकने को हल्के में ना लें, यह इन्फेक्शन के कारण भी हो सकता है। इससे बचाव के लिए सर्दी या जुकाम के वक्त बच्चे को गुनगुने पानी से नहलाएं, या अगर नहीं भी नहलाते हैं तो आप गुनगुने पानी से उसके हाथ पैर पोंछ सकते हैं, क्योंकि ऐसे वक्त पर उसकी सफाई बहुत ज़रूरी है। नाक ज़्यादा जाम हो रही हो तो आप डॉक्टर से परामर्श लेके नज़ल ड्रॉप ज़रूर दिलवाएं, जिससे बच्चे की नाक साफ हो जाएगी और बच्चे को सांस लेने में और सोने में तकलीफ़ नहीं होगी। इन सब के अलावा
भूख न लगना, चिड़चिड़ाहट, लार गिरना, दांत काटना, कोई भी चीज़ चबाना भी दांत आने के लक्षण हो सकते हैं। इन सब चीज़ों से आप घबराएं बिल्कुल भी नहीं, बस इतना समझें कि यह आपके बच्चे के साथ साथ आपकी भी परीक्षा की घड़ी है, तो धैर्य एवं धीरज से काम लें। बस कुछ वक्त की बात है, उसके बाद आपके बच्चे की हंसी और किलकारियाँ और ज़्यादा होने वाली हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।